जय भीम दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षित सिंह और आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों हम आपको बता दें कि दिनांक 25 अगस्त 2022 को मधेपुरा से ये यात्रा शुरू हुई थी। हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी हैं। बताइए कैसा रहा अनुभव? और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय मंडल जय श्रमदान जय जोहार। समाज में अवेयरनेस के लेकर के हम लोग पिछले 18 महीने से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। कई जगह समाज में चेतना देखने को मिली है, कुछ बदलाव हो रहे हैं, समाज जागने की दिशा में बढ़ रहा है। हमने इन 18 महीनों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सैकड़ों जिलों, हजारों गांव में कैंपेन किया, बहुजन समतामूलक समाज को जगाने का प्रयास किया। हमने जातिवाद जनगणना को लेकर के, मंडल कमीशन लागू करवाने की मांग को लेकर के, EPM को लेकर के, और संख्या अनुपात में हमारे जो बहुजन समाज है उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इन मांगों को लेकर ये कार्यक्रम चलाया था। वो कार्यक्रम, उस यात्रा का आज समापन है। अब आगे हम लोग जो है धरने की शुरुआत करेंगे ताकि जो हमारी मांगे हैं उनकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचा सकें। अधिकार संघर्ष के जरिए सुरक्षित किए जाते हैं, और अगर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष न किया होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं खड़े होते। मौजूदा जो सरकार है, जो सत्ता है, वो हमें टाई पहना करके हमारा कोट छीन ली है। और आपकी क्या जो मांगे हैं, जैसे कि वो लोन वाली की लोन में रिजर्वेशन हो, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आप जनता के प्रति क्या जागरूकता फैलाई आपने? देखिए, 1% से भी सरकारी नौकरियां नीचे आ गई, ऐसे में हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाते या एजुकेशन ले लिए तो जॉब नहीं मिल पाई, तो ऐसे लोगों को अगर सरकार की तरफ से मदद मिल जाए, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, तो उससे भी समाज आगे बढ़ सकता है। RBI के द्वारा सालाना बैंकों को अलग अलग कोटा के हिसाब से बिजनेस लोन दिया जाता है, उन्हीं लोगों को मिलता है जिस जाति के लोग अधिकारी कर्मचारी वहां बैठे हुए हैं बैंकों में जो पास करते हैं। ऐसे में जो हमारे लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, OBC SC के लोग हैं, ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको वहां से लोन नहीं मिल पाता है। सच्चाई तो यहाँ तक है कि हम सब किसान हैं, जब KCC कराने जाते हैं तो 20,000 का KCC के लिए 6 महीना लगता है, चप्पल घिस जाता है। 20,000 में 6,000 मैनेजर ले लेता है, 2,000 बाबू ले लेता है, किसान के हाथ में 10,000 आता है लास्ट में, और ब्याज पूरे 20,000 का देना पड़ता है, वो भी नहीं भर पाए तो कुर्की, नीलामी, जेल, ये सब तरह की धमकियां, और जो 10,000 करोड़ लेकर के अपर कास्ट के भाग गए हैं उनका कहीं कुछ नहीं। तो हम लोगों की मांग ये है कि जो बिजनेस लोन है उसमें OBC SC ST का कोटा फिक्स किया जाए। आप लोगों को के प्रति अपना मैसेज पहुंचा रहे थे, तो आपको क्या क्या एक चीज ऑब्जर्व की जो पॉजिटिव है, और ऐसा किया क्या कड़वी सच्चाई इस जनता की जागरूकता के बारे में आपको पता चली? लोग खुद से सवाल भी कर रहे हैं। नेगेटिव ये है कि लोग डर रहे हैं और दुश्मन से सवाल नहीं कर रहे। तो ये मंडल जो है, क्या वो कमंडल से मुकाबला कर पाएगा? कमंडल को पटकनी दी है, बताते हैं। भले ही आज हमारे लोग बिखरे हुए हैं, कल हम फिर कमंडल को पटकेंगे और फोड़ देंगे। यकीनन हम ये दावे के साथ कहते हैं कि मंडल फिर जो है कमंडल को फोड़ेगा। बस जरूरत है कि हमारे नेता इस बात को समझ जाएं, और हमारा जो वंचित वर्ग है ये इस बात को समझ के जो ऐसा खुला हुआ पंजा ये मुट्ठी बन जाए तो जिसके पड़ेगा वो फूटेगा ही। हमारे साथ एक और मेहमान है, देवेंद्र यादव जी। हमारे विद्रोही जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। एक तरीके का संघर्ष है, जो अछूत हमारे समाज की जो अछूत लोग हैं उनका संघर्ष उच्च वर्ग के लोगों के साथ, और उच्च वर्ग के लोग हमेशा ही जो है अछूत या निम्न लोगों को दबाते रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आए थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनके नेतृत्व में एक मंडल कमीशन का गठन हुआ था जिसमें कि 40 संस्कृतियां थी, जिसको बीपी सिंह ने लागू किया, कोर्ट ने केवल एक ही संस्कृति लागू की। मेरा मानना है कि आरक्षण एक तरीके की भीख है, जो है ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है, ये सामाजिक लड़ाई कई वर्षों तक जारी रहेगी।
द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।